दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे आपके जिंदगी की अभिन्न अंग बन चुके इस मोबाइल की। ये मोबाइल जिसके सहारे सरकार कवायद करती है कि बहुत सारे लोगों को जॉब दिया जा रहा है, जो इंटरनेट स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं और सरकार कहती है कि वो लोगों को जॉब बांट रही है, वहीं पे जो इस मोबाइल के थ्रू कारोबार तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जब रोड पे चलते हैं, अपने ऑफिशियल्स कॉल को उठाते हैं, अपने परिवार से आए हुए कॉल को उठाते हैं, दो तरह की चीजें हैं। एक का फोन उठाना मजबूरी है और एक फोन इसलिए रोड पे उठाते हैं गाड़ी चलाते वक्त क्योंकि शौकिया तौर पे कह सकते हैं, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है गाड़ी चलाते हुए। आज बात इस मोबाइल की, जिस मोबाइल की वजह से उन सब की जान खतरे में है जो रोड पे चलते हुए मोबाइल यूज करते हैं। मैं फिर यहां रिपीट कर दूं कि कुछ शौकिया यूज करते हैं और किन्हीं का मोबाइल यूज करना एक मजबूरी बन चुका है रोड पे, क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से उसी मोबाइल में उनकी रोजगार सीमित हो चुकी है और एक कह सकते हैं कि इस इंटरनेट के थ्रू एक गुलाम बनाने की प्रथा जो शुरू हो चुकी है। जितने भी इंटरनेट स्टार्टअप्स कंपनी हैं, लोगों को गुलाम बनाती जा रही है, उनकी रोजी रोजगार में जो सेंध लगाती जा रही है, इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन आज सिर्फ इस मोबाइल की बात जो आपकी जान के लिए कितना बड़ा खतरा है। सबसे पहले बात यहां बता दूं कि मुझे एक राजस्थान से कॉल आया, एक ड्राइवर वहां पे गाड़ी चलाता है एक ऐप बेस्ड कंपनी के लिए, वहीं पे एक डिलीवरी बॉय का भी फोन आया जो मोबाइल पे बात करते हुए अपने पैसेंजर से बात कर रहा था, जो बुकिंग आई थी और उसकी पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसकी लाइसेंस कैंसिल कर दी गई। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि साहब मैंने 40 साल तक गाड़ी चलाई है, अब मैं क्या चलाऊंगा और क्या करूंगा। और मैंने फोन इसलिए उठाया कि एक तरफ तो सरकार ऐप बेस्ड कंपनीज को बढ़ावा दे रही है और उसी ऐप बेस्ड कंपनी की हम गुलामी कर रहे हैं और अगर हम फोन नहीं उठाते हैं तो कंपनी हमें ऑफ रोड कर देती है, हमें जॉब से निकाल देती है, तो हमारा फोन उठाना एक तरफ मजबूरी बन चुका है। वहीं अगर आप लोगों को याद होगा तो सरकार ने ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया है उसमें हर जो सजा थी, गुना थी रोड पे करने की, उसको 5 गुना कर दिया। अगर मोबाइल आप उठाएंगे तो जहां 1000 रुपये फाइन थी वहां 5000 फाइन हो गए, जहां 100 रुपये सीट बेल्ट की फाइन थी वहां 500 रुपये हो गए। मतलब हर फाइन को दुगुना किया गया है और कहा यह गया है कि इसके सहारे सरकार रोड एक्सीडेंट को कम करना चाहती है। यहां पे एक बात आपको जानना जरूरी है कि भारत रोड एक्सीडेंट के मामले में नंबर 1 है पूरे विश्व में। तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, यानी कि 400 लोग हर दिन मरते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। मैं चाहता हूं कि आप इन आंकड़ों को समझें, अगर आप मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो भी समझें, और अगर आप उनके साथ काम नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और मोबाइल यूज करते हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपकी जिंदगी कितनी खतरनाक होती है जब आप मोबाइल यूज करते हैं गाड़ी चलाते वक्त में। WHO के आंकड़े के मुताबिक आपकी एक्सीडेंट की संभावना 400% बढ़ जाती है अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त। तो वहीं पे यहां पे फिर रिपीट कर दूं कि जिनकी मजबूरी बन चुकी है गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल उठाना, यानी कि जो ऐप बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अगर मोबाइल नहीं उठाएंगे तो उनका फिर काम कैसे चलेगा, और नहीं उठाएंगे तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा और वो भूखे मरने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले मोबाइल में दो ही चीजें होती थी, टेक्स्ट मैसेज या आप कॉल पे बात करते थे। आज के डेट में स्मार्टफोन आ जाने के बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप की बात करें, इंस्टाग्राम बात करें, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स को भी लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं गाड़ी चलाते वक्त में। आज जबकि पुलिस उनको मोबाइल यूज करते ना पकड़े, इसकी वजह से कभी हाथ नीचे करके वो मोबाइल यूज कर रहते हैं, वहीं पे ऐप बेस्ड कंपनी की अगर बात करें तो जिस तरह से प्राइम प्ले उनके गाड़ी में लगा दिया गया है और ड्राइवर्स GPS देख के गाड़ी चला रहे हैं। अब आप यहां एज्यूम कीजिए कि GPS देख के गाड़ी चला रहे हैं और आंख उनकी नीचे होती है GPS पे और वो ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी कहती है कि अगर GPS से आपने डेविएट किया तो आपको ऑफ ड्यूटी कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी रोजी रोजगार छीन ली जाती है। तो एक तरफ इंटरनेट बेस्ड ये ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, उनकी शोषण, दूसरी तरफ सरकार का फरमान कि अगर आप मोबाइल पे बात करते हुए पाए जाएंगे तो आपको 5-5 गुना फाइन लिया जाएगा। तो ऐप बेस्ड कंपनी में काम करने वाले लोग करें तो क्या करें। वहीं पे हम बात करें तो 41% लोग जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज करते हैं वो काम से रिलेटेड फोन उठाते हैं, लेकिन यहां पे जो ऐप बेस्ड कंपनी से जुड़े हुए वर्कर्स हैं उनका तो 100% वर्क रिलेटेड ही फोन होता है और उनका उठाना मजबूरी है। यहां पे अगर बाइक टैक्सी की बात करें तो आप रोड पे जाके देखिए, वो बाइक टैक्सी जब चलाते हैं तो उनका ध्यान GPS पे होता है और बाइक चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट की संभावना
कितने प्रतिशत बढ़ जाती है आप एज्यूम कर सकते हैं। वहीं पे चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 96% पैसेंजर अनसेफ है, वो अगर उस गाड़ी में बैठे हैं जिस गाड़ी में ड्राइवर फोन यूज कर रहा है। अभी अगर हम बात करें तो ऐप बेस्ड कंपनी में चलाने वाले जितने भी ड्राइवर्स हैं, जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनका ध्यान जीपीएस के ऊपर होता है, तो बात तो करें या ना करें लेकिन उनकी नजर हमेशा जीपीएस पे जाती है हर 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद से। तो 96% लोग अनसेफ हैं जो ऐसे गाड़ी में बैठे हैं जिसमें ड्राइवर फोन पे निर्भर है। 20% ऐसा एक सीन आता है, सिनेरियो आता है जिस जो बचते बचते बच जाते हैं, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं लेकिन बच जाते हैं। 34% अचानक ब्रेक लगाते हैं लोग जो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। वहीं नेशनल काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक 1.6 मिलियन क्रैशेस हर साल होते हैं। 3,90,000 लोग घायल होते हैं जो मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज करते हुए गाड़ी चला रहे होते हैं। जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उससे भी खतरनाक है जो मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज करते हुए गाड़ी चलाते हैं, जिनकी एक्सीडेंट की संभावना शराब पी के जो गाड़ी चलाते हैं उनके मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पे टीन्स यानी कि कम उम्र के बच्चे जो गाड़ी चला रहे होते हैं और जो मोबाइल का यूज कर रहे होते हैं उनकी एक्सीडेंट की संभावना 4 गुना और बढ़ जाती है। 98 दुपहिया वाहन चलाने वालों की मौत रोज होती है जो बिना हेलमेट के चलते हैं। वहीं पे 79 ड्राइवर्स की मौत पर डे होती है जो बिना सीट बेल्ट के चलते हैं। वहीं पे 9 ड्राइवर की मौत होती है रोज जो मोबाइल यूज करते हैं। ये आंकड़े अंडर रिपोर्टेड है जो रिपोर्ट में लिखा गया है। इन आंकड़ों को आप कई गुना भी कर सकते हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं आती, जिनकी कहीं कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होती है। वहीं पे एक आंकड़े की बात करें तो 2017 का ये आंकड़ा है, तकरीबन 2200 लोगों की मौत हो गई जो मोबाइल पे यूज करने की वजह से उनकी रोड पे मौत हो जाती है। गलत स्पीड ब्रेकर, सड़क पे गड्ढे, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड की वजह से 26 लोगों की मौत हर रोज होती है रोड के ऊपर में। वहीं पे 17 लोगों की हर घंटे मौत हो रही है रोड एक्सीडेंट में और भारत नंबर 1 पे है रोड एक्सीडेंट के मामले में। अब यहां पे सवाल ये होता है कि जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं जो पूरे मोबाइल पे ही निर्भर करती हैं और ड्राइवर्स या तो डिलीवरी बॉय हो या बाइक टैक्सी वाले हो या ओला उबर में चलने वाले ड्राइवर्स हो, जो फोन पे ही उनकी रोजी रोजगार बंद के रह गई है, उनका फोन उठाना मजबूरी है। अगर वो फोन नहीं उठाएंगे तो उनको ऑफ रोड कर दिया जाएगा, तो या तो वो पकड़े जाएंगे तो पुलिस फाइन करेगी और अगर फोन नहीं उठाएंगे तो कंपनी फाइन करेगी या उनको ऑफ रोड कर दिया जाएगा और उनका रोजगार चला जाता है। आज जबकि ऐप बेस्ड कंपनी की वजह से खासकर जो टैक्सी बाजार है, चाहे रिटेल की बात करें, चाहे कोई डिलीवरी बॉय है, सबकी जॉब खतरे में बनी हुई है। जो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे थे, खासकर अगर हम ड्राइवर्स की बात करें, उनको एक गुलामी की प्रक्रिया में बांध दिया गया है, इंटरनेट की गुलामी। जो अपना स्वरोजगार कर रहे थे आज के डेट में बहुत सारे करोड़ों लोग, उनकी रोजगार में डाका डाल के आज उन्हीं को रोजगार से बेदखल कर रहे हैं ये इंटरनेट स्टार्टअप्स और कहते हैं हम रोजगार बांट रहे हैं। अब ड्राइवर अगर फोन नहीं उठाए तो आप उसको ऑफ रोड कर दोगे तो वो करेगा क्या? अगर डिलीवरी बॉय फोन ना उठाए तो आप उसको ऑफ रोड कर दोगे? अगर ये बाइक टैक्सी वाले फोन देख के गाड़ी ना चलाए, क्योंकि अमूमन हो ये रहा है कि ये उन लोगों को ड्राइवर्स या डिलीवरी बॉय बनाया जा रहा है जिनको रोड का आइडिया नहीं है, लेकिन कंपनी कहती है कि आइए आप जीपीएस देख के चलते रहिएगा, आपको खुद ही खुद पहुंचा देगा वो। दिल्ली में भी जो सालों से दिल्ली में रहते हैं उनको हर रास्ता नहीं पता हो आज की डेट में, लेकिन वहीं पे कंपनी कहती है जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी कहते हैं आप ड्राइवर बन जाओ क्योंकि आप जीपीएस के सहारे चल सकते हो। लेकिन जीपीएस के सहारे चलना या मोबाइल के सहारे सिर्फ गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है, इस पे सारे आंकड़े मौजूद हैं आज के डेट में। लेकिन सरकार इन सबको नजरअंदाज करके इन कंपनियों को बढ़ावा तो दे रही है लेकिन इनके ऊपर कोई कानून, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आ रहा है। वहीं पे सरकार इन कंपनी को जिस तरह से बढ़ावा दे रही है लेकिन सारा रोजगार जो मोबाइल के ऊपर डिपेंड है, अगर ड्राइवर फोन नहीं उठाए तो उसकी रोजी रोटी छीन लेती है कंपनी और फोन उठाए पुलिस पकड़े तो 5 गुना फाइन भरे तो ड्राइवर कहां से भरेगा? आज उनके कमाई में इस तरह से सेंध लगी है कि 15 से 20 घंटे काम करने के बाद वो 500 रुपए नहीं कमा पाते हैं। वहीं पे इन कंपनियों को कमा के 1000-1000 रुपए रोज की कमीशन पे करते हैं लेकिन घर वो कमा के 500 रुपए नहीं ले जा पाते। आज उनकी जो हालात है, उनके आप स्वास्थ्य की बात करें, उनकी मेंटल कंडीशन की बात करें, दोनों ही इस कदर से नीचे की गिर चुका है और उनका मानसिक स्तर भी, जिस तरह से वो डिप्रेशन में होते हैं, जो क्राइम की एक बड़ी वजह ये भी है, कई बार ड्राइवर्स कुछ गलत करने पे उतारू हो जाते हैं क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इस कदर कर दी गई है कि वो अच्छे बुरे की सोचने की हालात में रह ही नहीं गए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे, अगर आप शाम को तो आप जाके देखिए नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में भी रॉन्ग साइड से डिलीवरी बॉय भागते रहेंगे आपको, उनको उनको सिर्फ डिलीवरी करना है, एक टाइम फ्रेम उनको दे दिया गया, नहीं पहुंचेंगे तो कंपनी उन पर जुर्माना लगाएगी, जो खाना लेके जा रहे हैं अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो उनके तनख्वाह से काट ली जाएगी।
अब ये करें तो क्या करें। यहां पे सवाल ये है कि जिस तरह से मोबाइल पे ये सारा कुछ किया जा रहा है, मोबाइल उठाना उनकी मजबूरी है, बाइक टैक्सी कितनी खतरनाक है आज के डेट में, जो जीपीएस देख देख के चला रहे हैं। वहीं ओला उबर ने शुरू में ड्राइवर्स को बोला कि आप आइए गाड़ी चलाइए, रास्ता पता नहीं है तो जीपीएस देख के चलाइए। अब आप देखेंगे कि जीपीएस देख के गाड़ी चलाना कितनी खतरनाक है, इसमें भी आंकड़े मौजूद है, सब कुछ सामने है, लेकिन फिर भी सरकार लोगों को मरने के लिए तो छोड़ दिया है इन कंपनियों के साथ में, लेकिन फाइन बढ़ा दिया है कि एक्सीडेंट में जो भारत नंबर वन पे है रोड एक्सीडेंट में दुनिया में, उसको कम हो जाएगा। लेकिन ये जुर्माने के साथ ड्राइवर्स कितने दिन तक जिंदा रह सकेंगे, एक गरीब जो काम कर रहा है इंटरनेट स्टार्टअप के साथ में, वो कितने दिन तक, कितनी बार फाइन भर लेगा महीने का, लाइसेंस कैंसिल होगा। जैसा मैंने राजस्थान की बात बताई कि राजस्थान के हाई कोर्ट ने ये 2018 में फैसला दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसी साल में एक वैन ड्राइवर मोबाइल पर फोन करते हुए गाड़ी चला रहा था, जो स्कूल की वैन थी जिसमें 13 बच्चों की मौत हो गई थी, क्योंकि वो वैन एक ट्रेन से टकरा गई थी, जिसके बाद 2018 में ये फैसला राजस्थान कोर्ट ने दिया था। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करके एक तरफ तो सरकार बेइंतहा फाइन लगा रही है कि रोड पे आप कोई वायलेशन करोगे तो इतना फाइन लगेगा आपको, लेकिन दूसरी तरफ जो एबेस्ट कंपनियां हैं, जो इंटरनेट स्टार्टअप्स हैं, उन पे कोई कानून नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो जबरदस्ती लोगों से गाड़ी चलाते हुए मोबाइल उठवाती है, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो बाइक टैक्सी वाले हो, उसकी जान किस कदर से खतरे में है, और दूसरी तरफ उनकी रोजी रोजगार अगर छिन जाती है तो वो जो काम वो कोई 20 सालों से कर रहा है, 25 सालों से कर रहा है, उसके बाद जब रोजी रोजगार चली जाएगी तो वो गलत काम करने के लिए मजबूर ही होगा समाज के अंदर में। शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ।